हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर विद शिवांगी रंजना। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हुए सर्दी के साथ आप सभी का भी स्वागत है। यहाँ पे सर्दी बढ़ गई है, मीन्स टेम्परेचर -1 डिग्री भी हुआ है। अब तो माइनस में ही जाएगा, फिलहाल -1 ही था। -30 तक का इंतज़ार होगा आप लोगों को, पहले भी आपने सुना होगा। तो मैं अभी थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, आप हमारे साथ बने रहो। ब्लॉग का शुरुआत कर लिया मैंने। मोमेंट्स लेटर गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सा चिकन का हॉट डॉग और भी बहुत सारी चीज़ों का बनता है, बट मैं तो चिकन का खाती हूँ। यहाँ पर भी बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगी, तो एक चिकन हॉट डॉग ले लेती हूँ। अभी छठ दिवाली है, सब बहुत टाइम से मैं खा नहीं रही थी नॉनवेज, तो अभी शुरुआत करती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, खा लेती हूँ तब चलती हूँ। गाइस, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, नेल आर्ट करवाती हूँ, थोड़ा एक्सटेंशन करवाती हूँ। मेरे छोटे छोटे हैं, अभी अच्छे हो जाएंगे फिर दिखाती हूँ, थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बढ़ा पाती, कट कर लेती हूँ, तो सोचा चलो एक्सटेंशन ही करवा लेती हूँ। गाइस, तो मैं घर आ गई, बिकॉज सैलून में जो वर्कर है वो सिक थी, आई नहीं, जो नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट वगैरह करती है। दूसरी थी हेयर कट वगैरह वाली, बट मैं हेयर कट आजकल नहीं ले रही हूँ। देखो मैंने थोड़ा, मेरे बाल लंबे हो गए ना थोड़े से, देख आपको भी लग रहा होगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा लॉन्ग करने का, मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर रखा नहीं है, और कुछ टाइम पहले तो मैं बिल्कुल शॉर्ट रखने लगी थी, यहाँ। अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, मतलब बढ़ रहा है, देखो है ना। सोच रही हूँ, देखती हूँ कब तक मैं रख पाती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरा हो रहा है, आप लोग का भी हो रहा है क्या बताना, अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल। मैं सोच रही थी एक दिन कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, कटिंग करा लूं क्या, फिर मैंने सोचा चलो देखती हूं, कहीं कंट्रोल हो गया तो ठीक है। तो अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले शावर लेकर आई हूं, हेयर वॉश भी करा है, थोड़ा बहुत ड्राई हो गया अभी और होना है। अभी थोड़ा सा कॉफी वगैरह पी लेती हूं, फिर आपसे बातें करते हैं। यहां देख सकते हो मैंने माइक्रोवेव में कप रखा है, एक कप पानी मैं गर्म कर रही हूं, 1 कप वाटर बॉयल हो गया है। देखो बर्फ इधर से घूमते आ रही है। मैंने सोचा था कॉफी पीऊंगी, बट देखो मैं घर से इंडिया से हॉर्लिक्स लेकर आई थी, तो कभी कभी मैं पी लेती हूँ। मैंने इस बॉक्स में रख दिया है, एयर टाइट बॉक्स है, तो अभी मैं सोच रही थी हॉर्लिक्स ही पी लेती हूँ। पानी में मेरे को अच्छा लगता है, दूध में भी अच्छा लगता है, डिपेंड करता है मूड कब कैसा है। और बर्फ़ी यहाँ पर पानी पीने आ गई, इस बॉल में बर्फ़ी का पानी रखा हुआ है। और मैं रूम में अब आ गई हूँ हॉर्लिक्स लेकर के, तो ये भी देखी, ये चली गई तो मैं भी आ जाती हूँ। मैं जिधर रहती हूँ उधर ही बर्फ़ी भी घूमती है, अब देख रही है किधर से मैं ऊपर जाऊँ, तो आ गई ऊपर। देखो लोगों का सवाल होता है कि यूक्रेन में जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो भी इंडियन स्टूडेंट है, जो भी फॉरेनर जाते हैं, उनको किस लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मैंने बहुतों को बताया है इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बट फिर भी आप लोगों को डाउट होता है। चलो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ये बुक देख रहे हो, ऑप्शन गायनी का, ये मैंने यहाँ की लाइब्रेरी से इशू कराया है, एक और बुक है। मैं दिखाती हूँ इंटरनल मेडिसिन का, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बुक पर यूनिवर्सिटी का, मेरे यूनिवर्सिटी का स्टैम्प भी लगा हुआ है। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो लगा हुआ है ना, ये यूक्रेनियन मेरा स्टैम्प है, बट मेरे यूनिवर्सिटी का ही है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है वीएन कराजिन। और दूसरा मैं आपको यहाँ इस पर भी दिखाती हूँ, गायनी का बुक है, यहाँ भी देखो सेम स्टैम्प आप देख रहे होगे, यहाँ पर लगा हुआ है ना वीएन कराजिन। तो यहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, यूक्रेनियन में नहीं पढ़ाते। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे कि खार्किव में, वीएन कराजिन में या फिर केएनएमयू में कब तक एडमिशन लास्ट होगा। तो यहाँ पर यूक्रेन आने का जो होता है ना इमिग्रेशन में, आप ये पासपोर्ट पर स्टैम्प लगता है, तो 5th of December है, लाइक 5 दिसंबर तक आपको यूक्रेन आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस आपका होगा। बट आपको यूक्रेन एनी हाउ 5 दिसंबर तक आना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, अगर आते हो तो एडमिशन नहीं होगा। अभी भी एडमिशन यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डिपेंड करता है, सिर्फ यूक्रेन में ऐसा नहीं है कि सबका 5 ही डेट है 5 दिसंबर तक। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज का बंद भी हो चुका है एडमिशन, और कुछ का चल रहा है, कुछ का अभी और आगे तक चलेगा। तो मैं खार्किव की बात कर रही हूँ, खार्किव में जो भी कॉलेज है लाइक वीएन कराजिन या खार्किव इंटरनेशनल या खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सबका अभी डेट है, अभी एडमिशन चल ही रहा है, और लास्ट डेट बहुत जल्द आने वाला, मे बी फुल हो जाए तो आपको मिलेगा भी नहीं यहाँ पर एडमिशन, बिकॉज जितना सीट होता है उतना ही एडमिशन ले पाते हैं, और
नीट के स्कोर बेसिस पर लेते हैं। क्वालिफाइड कंपलसरी है, एकदम होना ही है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड अभी भी हो जो लेना चाहते हो बट किसी रीजन से नहीं ले पा रहे हो बट फिर सोच रहे हो लेने का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही, मे भी कोई और भी करे, ऑफिस में आपका नंबर फॉरवर्ड किया जाएगा, वहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बात कर सकते हैं। तो जो भी श्योर हो जिसे लेना है वही करना, अदरवाइज यूँ ही अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं और बर्फी फिर से आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बर्फी बाय कर दो, बाय।